बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में जो हम डिस्कशन करने वाले हैं, हमारा मेन जो टॉपिक है वो स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, जिसे हम कह सकते हैं, तो ये हमारा मेन टॉपिक है, इसकी हम डिस्कशन आज करेंगे। अच्छा, उसके ऊपर आपने यहाँ पे एक चीज़ आप देख रहे हैं, प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर। अच्छा, ये टॉपिक मैंने ऊपर क्यों लिखा, इसका रीज़न ये है कि ये जो आप टॉपिक मैं आपको आज समझाऊंगा, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट का, ठीक है, तो इसको समझने के लिए आपको प्रोजेक्शन का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा आना चाहिए वेक्टर्स के अंदर। अच्छा, अगर मैं वैसे बात करूं प्रोजेक्शन होता क्या है, तो प्रोजेक्शन आपको पता है शेडो, जैसे मेरा अगर यहाँ पे शेडो बना हुआ आ रहा है, सही है, तो इसी तरह एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पे जो साया होता है उसकी स्टडी हम लोग प्रोजेक्शन वाले टॉपिक में करेंगे। ये अगर आपको समझ आएगा तो आपको ये समझ आएगा आराम से, तो इसलिए बात करते हैं प्रोजेक्शन की। अच्छा, इसमें मैंने दो केसेस बनाए हुए हैं। पहले केस में मैं क्या कह रहा है, प्रोजेक्शन निकालें एक वेक्टर ए की बी पे। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मुझे साया बनाना है ए का बी पे, तो इसका मतलब है ए को हम अभी क्या करेंगे, ये पहला केस में समझाने लगा हूँ। हमने किया क्या, हमने एक वेक्टर बनाया ए, ठीक है, एक वेक्टर हमने बना लिया ए, सही है। अब हमें पता है ए का साया गिरेगा बी पे, तो इसका मतलब बी हमने यहाँ पे कोई वेक्टर बनाना पड़ेगा हमें बड़ा सा, ठीक है, ये हमने वेक्टर बना लिया बी, सही है। अच्छा, अब टॉपिक के मुताबिक यहाँ लिखा हुआ है प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन टू बी, हमें पता है कि ए का साया बी पे गिरेगा, तो इसका मतलब यहाँ इसका एक परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा, मतलब इसका साया नीचे ड्रॉप हो रहा है, एक साया इसका यहाँ से ड्रॉप हो रहा है, तो ये हमारे पास इसका क्या बन गया, प्रोजेक्शन बन गया। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका क्या है, ये इसका प्रोजेक्शन है, मतलब ए वेक्टर का जो साया बी पे गिरा वो हमारे पास क्या आ गया, इसका प्रोजेक्शन आ गया यहाँ तक। अच्छा, इसको मैं डिनोट किससे करूँगा, तो हम डिनोट इसको किससे करते हैं, ए बी से। अच्छा, अब मैंने ए बड़ा क्यों लिखा, बी छोटा क्यों लिखा, इसका रीज़न है, देखें जिसका साया होगा उसको हम कैपिटल लिखेंगे, मतलब बड़ा लिखेंगे, सही है, कैपिटल तो इसको भी लिखना है। अच्छा, जो सबस्क्रिप्ट में जिसके ऊपर आपका शेडो ड्रॉप हो रहा होगा, मतलब परपेंडिकुलर जिसके ऊपर ड्रॉप हो रहा है, उसको आपने सबस्क्रिप्ट में लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक एंगल भी बनेगा थीटा, सही है। अब हमें करना क्या है, हमें इस प्रोजेक्शन की वैल्यू क्या मिलेगी उसकी बात हम पहले करते हैं, सही है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास कौन सा रेशियो लग रहा है, क्योंकि 90 डिग्री आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो ये हमारे पास एक कौन सा ट्रायंगल बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, और राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ये कौन सा रेशियो बन रहा है, मैंने आपको जैसे बताया था कि थीटा के सामने होता है परपेंडिकुलर, ठीक है, 90 के सामने होता है हाइपोटेन्यूस, और यहाँ पे आ गया हमारा बेस। तो अब हमारे पास कौन सा ऐसा रेशियो होता है जिसके अंदर हमारी दो साइडें ये वाली यूज़ हो रही हैं, क्योंकि परपेंडिकुलर की तो वैल्यू आपको पता ही नहीं है कि ये परपेंडिकुलर कितनी लेंथ का है, ये तो आपको मालूम ही नहीं है, हमें मालूम है क्योंकि अच्छा, एक और चीज़ बच्चे के जहन में क्वेश्चन आता है कि हम बी को कंसिडर क्यों नहीं कर रहे, बी को कंसिडर इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि आप देख सकते हैं कि मेरा जो ट्राइंगल है वो इन पॉइंट्स के दरमियान बन रहा है, मतलब ये तो इस हिस्से की तो मैं बात करूँगा ही नहीं, तो हमारा ट्राइंगल जो बन रहा है शेडेड एरिया वो सिर्फ ये वाला शेडेड एरिया है, इसकी बात हम करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास एक कौन सा रेशो होता है जिसके अंदर ये दोनों वैल्यूज यूज़ होती हैं, मतलब बेस भी आ रहा हो हाइपोटेन्यूस भी आ रहा हो, तो वो हमारे पास होता है कॉस थीटा। तो अगर मैं बात करूँ कॉस थीटा की, तो कॉस थीटा हमारे पास क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो बेस की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर क्या आ रही है, ए बी, बेस की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए बी। अच्छा, हाइपोटेन्यूस की वैल्यू हमारे पास वेक्टर ए है, लेकिन मैं इसके ऊपर वेक्टर का निशान नहीं लगा रहा क्योंकि हमारे पास, मैंने बात की थी पहले भी कि साइन हो कॉस और टेन थीटा हो, ये सारे जितने भी रेशियोज हैं ये एक मैग्नीट्यूड वैल्यू है, तो जब भी मैग्नीट्यूड वैल्यू साथ आ जाएगी तो आप इसके ऊपर वेक्टर का निशान नहीं लगाएंगे, तो इसीलिए मैं वेक्टर का निशान नहीं लगा रहा, तो इसको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ए बी की वैल्यू हमारे पास आ गई ए कॉस थीटा। तो बेसिकली ये जो वैल्यू आई है ये आया क्या है, ये ए का साया बी पे आया है, मतलब एक वेक्टर ए जो था इसका साया बी पे ड्रॉप हुआ है, तो ये हमारे पास वैल्यू है, जब भी अगर आपको प्रोजेक्शन की बात करनी होगी ए की बी पे, तो इस तरह हम इसको ड्राइव करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट केस की, जो कि हमारे पास है प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन टू ए, सही है। अब हो क्या रहा है, इसमें जो वेक्टर बी है वो अब ऊपर आएगा, इसी का साया मतलब बी वेक्टर का साया अब ए पे ड्रॉप होगा, तो इसका मतलब पूरा सिनेरियो उल्टा हो गया, मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अब बी यहाँ पे आ जाएगा, बी वेक्टर यहाँ आ गया, ठीक है, क्योंकि बी ऊपर है, बी का साया ए पे ड्रॉप हो रहा है, तो अब ए यहाँ पे आ जाएगा,
तो मैंने किया क्या, ए की जगह बी, बी की जगह ए पुट कर दिया, सिंपल। तो अब होगा क्या, अब देखिए, अब ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर मेरा बी है, इसका साया ए पे ड्रॉप हो रहा है, इसका साया किस पे ड्रॉप हो रहा है, ए पे। तो अब ये जो हमारा साया होगा, मैंने जैसे बताया था, जिसका साया होगा वो हमारे पास कैपिटल मतलब बड़ा होगा, ठीक है, और सबस्क्रिप्ट में जिसके ऊपर साया गिर रहा होगा वेक्टर का, तो वो वाला वेक्टर नीचे सबस्क्रिप्ट में आ जाएगा, ठीक है। बाकी सारा काम वही है कि थीटा के सामने परपेंडिकुलर, 90 के सामने हाइपोटेन्यूस, और ये हमारा बेस हो गया, ठीक है। रेशियो वही लगेगा क्योंकि परपेंडिकुलर की वैल्यू हमें पता ही नहीं है, तो हम लोग कॉस थीटा यूज़ करेंगे जो अभी हमने पीछे यूज़ किया था। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला, बस यहाँ पे वैल्यूज़ चेंज हो जाएगी, तो ये हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो क्या आ जाएंगी, बेस की वैल्यू मेरे पास क्या हो गई, बी ए, ठीक है। अच्छा, आगे हाइपोटेन्यूस की वैल्यू हमारे पास अब क्या है, बी, मतलब बी वेक्टर है, लेकिन मैं वेक्टर नहीं लगाऊंगा, हम लगाएंगे सिर्फ एक मैग्नीट्यूड वैल्यू उसकी, हमारे पास कॉस थीटा आ गया, ठीक है। अच्छा, अब बी ए की वैल्यू चाहिए, तो बी को यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कराऊँगा, तो मेरे पास क्या आ गया, ये हमारे पास बस चेंजेस आई हैं, और यहाँ पे हमारे पास बी ए की मतलब वैल्यू हमारे पास आ गई बी कॉस थीटा। अभी आया क्या है, बेसिकली ये हमारे पास प्रोजेक्शन आई है बी की, बी वेक्टर की जो हमारे पास प्रोजेक्शन है ये ए पे, इसकी वैल्यू हमारे पास ये आई है। अच्छा, तो अब हम बात कर लेते हैं स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट की। मैथमेटिक्स और फिजिक्स के अंदर प्रोडक्ट का मतलब आपको पता ही होगा, जिसे हम मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। अच्छा, टॉपिक वेक्टर से रिलेटेड है, तो अब होगा क्या, आपने अक्सर देखा होगा कि जब आप दो फिजिकल क्वांटिटीज जो कि वेक्टर क्वांटिटीज हो, उनको आप आपस में मल्टीप्लाई करा रहे हो, तो आपको एक स्केलर क्वांटिटी मिल रही होती है। तो इस तरह की मल्टीप्लिकेशन को हम स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे यहां पे लिखा है वर्क और पावर। वर्क की अगर बात करें, तो वर्क के फॉर्मूले में आपने अक्सर देखा होगा कि फॉर्मूला होता है एफ मल्टीप्लाई बाय डी, मतलब फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, और आपको पता ही होगा कि ये दोनों हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है। इनके रिजल्ट में, इन दोनों को जब आपने मल्टीप्लाई किया, तो आपको आंसर में एक स्केलर क्वांटिटी जो कि वर्क मिल रहा है। आप स्केलर कैसे पहचान रहे हैं, क्योंकि इसके ऊपर वेक्टर का निशान नहीं लगा हुआ, ठीक है। तो इस तरह की मल्टीप्लिकेशन को हम क्या कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट क्यों कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट इसलिए कहते हैं कि क्योंकि जब हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और बीच में एक डॉट के सिंबल से हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये हमारे पास डॉट प्रोडक्ट इसलिए कहलाता है। अच्छा, अब हमें करना क्या है, अब आपको एक चीज़ पता होगी कि इसका जब आप फॉर्मूला मजीद खोलते हैं, तो आपने मैट्रिक में पढ़ा होगा, इसको जब आप मजीद खोलेंगे तो एफ डी कॉस थीटा आएगा, ठीक है। तो इसको मैं प्रॉपर अपनी एक्सप्लेनेशन को थोड़ा और क्लियर करता हूँ। ये फार्मूला आप देख सकते हैं, ठीक है, इसी तरह की एक एक्सप्लेनेशन हम दो वेक्टर्स पे अज्यूम कर लेते हैं जो हमने अभी प्रोजेक्शन पे काम किया था। हमें यहाँ बेसिकली फार्मूला ये ड्राइव करना है, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ये इसका जर्नल फार्मूला है कि हम जब दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बीच में उनके डॉट प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाई करने के बाद हमें एक स्केलर क्वांटिटी मिल रही है, ठीक है। तो स्केलर कैसे है, मैंने आपको बताया था कि हमारे पास कॉस थीटा के साथ जब कोई भी क्वांटिटी हो, तो वो हमारे पास क्या है, एक मैग्नीट्यूड वैल्यू है। तो ए भी ए के ऊपर वेक्टर नहीं है, तो ये मैग्नीट्यूड वैल्यू, बी के ऊपर भी कोई वेक्टर नहीं है, तो वो मैग्नीट्यूड वैल्यू है, और कॉस थीटा तो वैसे ही मैग्नीट्यूड है, ठीक है। तो हुआ क्या कि दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद आपको एक मैग्नीट्यूड मतलब स्केलर वैल्यू आपको मिल रही है। तो इस तरह की मल्टीप्लिकेशन को हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट। अच्छा, इसको मैं ज़रा और मजीद बताता हूँ कि अभी जैसे आपने पढ़ा कि ए की प्रोजेक्शन बी पे क्या होती है, ए बी ए कॉस थीटा, ठीक है। अगर मैं बात करूं B की प्रोजेक्शन A पे, तो वो क्या होगी, बी ए इक्वल टू बी कॉस थीटा, सही है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है बी कॉस थीटा, यहाँ लिखा हुआ है बी कॉस थीटा, तो बी कॉस थीटा की जगह मैं बी ए बी मजीद लिख सकता हूँ। तो मैं इसको ये कह सकता हूँ कि ए डॉट बी बराबर होगा, ए डॉट बी बराबर होगा हमारे पास, ए डॉट बी हमारे पास बराबर हो गया ए बी कॉस थीटा की जगह मैं क्या लिख दूंगा, बी ए। तो हम इस चीज़ को इस तरह भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये था आज का टॉपिक हमारा।